आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि जो देश की रक्षा के लिए हमारे जो जवान हैं उनके लिए यह विशेष स्नातक कार्यक्रम है। आज हमारे पास एयरफोर्स के एयर मार्शल आए थे और इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पिछले वर्ष एक समझौता हुआ था, समझौता ज्ञापन, जिसमें आर्मी चीफ, तीनों ही आर्मी चीफ थे और रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री भी थे। उसमें ये तय हुआ था कि जो अग्निवीर हमारे होंगे, जो देश की रक्षा के लिए 4 वर्षों के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे और देश की रक्षा के सारे कार्य करेंगे, उनके लिए अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम को तैयार किया जाए। तो कार्यक्रम तैयार हो गया और उसको किस प्रकार से हम लोग पूरे देश में चलाएंगे उस पर संपूर्ण कार्य योजना भी बन गई है। और उसमें ये कहा गया कि जो 120 क्रेडिट का एक अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम होता है 3 वर्ष का, उसमें से 60 क्रेडिट इग्नू देगा और 60 क्रेडिट की पढ़ाई जो उन्होंने पढ़ वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी दक्षताओं का मूल्यांकन करके उस पर नंबर दिए जाएंगे। इसकी मान्यता UGC से भी है और भारत सरकार से भी है और इसमें दक्षता को पहली बार महत्ता दी गई है। और इसमें सबसे पहले एयरफोर्स आए हैं हमारे साथ इसको शुरू करने के लिए, आज से हमारे यहाँ प्रवेश शुरू हो गया है। इसके बाद वो नेवी वाले आएंगे और फिर जो फील्ड के स्टाफ है वो लोग भी आएंगे। और इसका उद्देश्य है कि जो 4 वर्षों का उनका समय है उस दौरान यदि उनके पास ग्रेजुएट डिग्री नहीं है तो एक ग्रेजुएट डिग्री ऐसी मिल जाए जिससे जीवन में उनको भविष्य में स्किल्ड मैन पावर के रूप में कहीं ना कहीं बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके। स्नातक सर किस सब्जेक्ट में किया? ये तो है BA है, BSc है, BCom है, टूरिज़्म है और MSME है, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर है। ये जो 5 क्षेत्र में हम लोगों ने अभी शुरुआत में कार्यक्रम आइडेंटिफाई किए हैं, धीरे धीरे ये अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसका मुख्य जो आधार है वो ये है कि 50% हम उनके जो दक्षताएं जो उन्होंने उस दौरान 4 वर्षों के दौरान सीखी हैं, जो देश के काम आ सकते हैं, बाद में रोजगार के लिए उनके काम आ सकते हैं, उसको मूल्यांकित करके उस पर भी हम लोग उनका नंबर देंगे, जिससे कि वो नॉलेज और स्किल दोनों मिलकर के वो देश को बेहतर ढंग से उस डिग्री की जो व्यवहारिकता है उसको बेहतर ढंग से लागू कर सकें। क्या सर इसमें इन लोगों के लिए क्या कुछ सिलेबस में भी चेंजिंग किया जाएगा? नहीं, सिलेबस सेम है हमारा, सिलेबस सेम है। उसके 50% पेपर जो हमारे पास हैं, जो 50% बाकी हमारे पास दक्षता आधारित थे, हमारी ज़्यादातर किताबी दक्षता आधारित है, लेकिन उनके पास जो है व्यवहारिक ज्ञान है, उस व्यवहारिक ज्ञान को हम लोग पहली बार पहचान रहे हैं और उस पहचान के आधार पर उनको इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जैसे पहले वर्ष 40 क्रेडिट उनको पढ़ना है, उसमें से 20 क्रेडिट तो इग्नू के होंगे पढ़ाई के और 20 क्रेडिट उनके दक्षता के होंगे। दूसरे वर्ष में जब वो जाएंगे तो 20 क्रेडिट हमारे यहाँ के और 20 क्रेडिट उनके दक्षता होंगे। तीसरे वर्ष जब आएंगे तो तीसरे वर्ष भी 20 क्रेडिट हमारे यहाँ के, 20 क्रेडिट उनके यहाँ के दक्षता। तो अभी ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए हुआ है? जैसे जैसे लोग आएंगे, तैयारी कर रहे हैं लोग, हर जगह उनकी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे ही उनकी ट्रेनिंग समाप्त होगी वो हमारे पास आएंगे और पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एयरफोर्स में या फिर आर्मी से भी? सब आएंगे, तीनों आएंगे, तीनों का अलग अलग है क्योंकि हर एक के अलग अलग चीफ होते हैं। तो अपने यहाँ के कर्मचारी जो एयरफोर्स के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, अपने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से, आर्मी बहुत संख्या है तो उसको अभी कंपाइल कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि उसमें किन किन दक्षताओं पर उन पर नंबर देने हैं, जो उसका मूल्यांकन भी कराना है उसके NCVET से, इसके कलसी साहब अध्यक्ष हैं। तो यानी आने वाले दिनों में, हाँ, तुरंत 1-2 महीने वो भी हो जाएंगे सब, है ना? तो सर ये जो 10th या 12th किस तरीके से? नहीं, उनको 12th पास होना जरूरी है। अच्छा। उनको 12th पास, 10th के लिए वो NIOS जाना पड़ेगा उनको। आज के मीटिंग में कौन थे सर चीफ गेस्ट में? चीफ गेस्ट में झा साहब थे, एयर मार्शल झा साहब थे, SR SK झा थे, एयर मार्शल हैं, वो खुद आए थे और उन्होंने ही अपने कर कमलों से उस बटन को दबाया था जिससे प्रवेश का जो पोर्टल है वो खुल गया है। अब उसी में लोग फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। कुछ डेट भी है सर? अभी तो 31 अगस्त है हम लोग के पास, 31 अगस्त तक तो हम लोग बढ़ा ही सकते हैं।
जो यूजीसी ने के लिए क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दक्षता पर पहली बार मूल्यांकन हो रहा है, तो और उनके पुराने काम जो भी वहाँ पर सीख रहे हैं उनको पहली बार हम लोग अपने कैरिकुला में ला रहे हैं, ये पहले कभी नहीं होता था। आप जैसे कल भी जो बात हम लोग की हो रही थी कि जैसे जर्नलिज्म में आप लोग बहुत काम करते हैं, तो जर्नलिज्म की दक्षता हम लोग नहीं चाहते, हम तो कहते हैं हमारी डिग्री के जो पेपर पढ़ रहे हो आपकी जो दक्षता आप जानो, लेकिन अब नहीं, हम कह रहे हैं आपने क्या सीखा है वो मुझे, उस पर भी नंबर देंगे और हम जो बता रहे हैं वो भी नंबर देंगे, दोनों मिला कर रहे हैं। सर सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं हूँ डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा जी, प्रो वाइस चांसलर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। सर, मैं काम कर आज कोर्स लॉन्च किया गया, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी दीजिए कि कैसे ये काम करेगा, कैसे छात्रों को इसे मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में ये जो हमने आज प्रोग्राम को लॉन्च किया इंडियन एयरफोर्स के लिए, और उसका महत्व ये है कि पारंपरिक शिक्षा के साथ दो दक्षता विकास स्किल एजुकेशन, उसको कैसे हम शामिल करें और उसको शामिल करके हमारे पाठ्यक्रम में उसको शामिल करके उनको एक साल के बाद एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का प्रबंध करें, दो साल के बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दें, और तीन साल अगर वो कंप्लीट करते हैं जिसमें उनको 120 क्रेडिट अर्न करने पड़ता है, तो उसके बाद हम 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री उनको देंगे, जिसका मान्यता हायर एजुकेशन के लिए भी रहेगा और ना कि देश में विदेश में भी रहेगा, और अगर वो चाहें फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सिविल सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में करने के लिए, तो उनको भी उसका मौका मिलेगा। सर, अगर देखा जाए तो ये अपने आप में अनोखी और शायद पहली पहल है, तो इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, ये अनोखी बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार 50% जो क्रेडिट्स है वो क्रेडिट पारंपरिक शिक्षा यूनिवर्सिटी के जो हम पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में वो शिक्षा रहेगा, और 50% जो शिक्षा उनको डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में उनके ट्रेनिंग सेंटर में अगले 3-4 साल में दिया जाएगा उसको भी हम यहाँ पर मान्यता देंगे। बट उनका जो शिक्षा पद्धति है वो जो स्किल का रेगुलेटर है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, और NCVET ने इग्नू को भी डुअल रिकॉग्निशन का स्टेटस दिया है, और आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स को भी डुअल रिकॉग्निशन का स्टेटस दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने जो स्किल एजुकेशन को डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग पढ़ाई होगा, और असेसमेंट इवेल्युएशन भी उनके द्वारा होगा। सिमिलरली इग्नू, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इग्नू अपने जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम के लिए खुद पाठ्यक्रम बनाएगा, जो ब्रॉड गाइडलाइन UGC का है उसमें बनाएगा, और अपने स्टूडेंट का, ये जो स्टूडेंट इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे उनका भी एग्जामिनेशन करेगा, और दोनों को मिला के एक डिग्री प्रदान किया जाएगा। ये सारा अग्निवीर के लिए है ये। जी, ये सारे अग्निवीर के लिए है जो पिछले साल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए है। सर, एक कॉमन आपसे बात पूछेंगे, अग्निवीर जब आई थी तो इसका कई जगह विरोध भी हुआ था, लेकिन जब इस तरह से सरकार या फिर आप लोग अग्निवीर के लिए कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं सर? देखिए, उनका फ्यूचर तो हमें बहुत ब्राइट दिख रहा है, इसलिए कि पहली बार पढ़ाई के साथ रोजगार भी उनका हो रहा है, और जो 12वीं पास करके आए हैं उनको इग्नू अपने कोर्स में दाखिला दे रहा है, जो 10वीं पास करके आए हैं वो NIOS में जा रहे हैं ताकि उनको 12वीं मिले, और हमारा जो टारगेट ग्रुप है जो 12th पास किए हैं वो हमारे पास आएंगे, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम करेंगे, उनका रोजगार भी वहाँ पर होगा, मंथली सैलरी उनको मिलेगा, और उसके साथ उनको पढ़ाई का एक सुविधा मिलेगा, ताकि 4 साल के बाद जब वो आर्मी नेवी एयरफोर्स से बाहर निकलेंगे तो ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, और एक ग्रेजुएट होना और स्किल के साथ ग्रेजुएट होना और डिसिप्लिन के साथ ग्रेजुएट होना, उनके लिए नौकरी का कोई कमी नहीं रहेगा, ये हमारा विश्वास है। सर, इसमें फ़ी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? फ़ी जो आपको पता होगा कि इग्नू के फ़ी साधारण स्टूडेंट जैसे अफोर्ड कर पाएंगे उस तरह का फ़ी है, सो वही फ़ी उनके लिए भी रहेगा, कोई अलग सा फ़ी हम उनके लिए नहीं लेंगे।